क्या आपके दांतों की परत पीली पड़ गई है और आपके मुंह से दुर्गंध आती है? अगर ये लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको दांतों से संबंधित किसी रोग की संभावना हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ओरल हाइजीन से रिलेटेड 5 जरूरी टिप्स के बारे में बताएंगे ताकि आपको दांतों से संबंधित किसी भी रोग की संभावना ना हो। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। हमारा मुंह हमारी ओवरऑल हेल्थ का रिफ्लेक्शन होता है। इसके साथ ये बैक्टीरिया के समूह का भी घर होता है जो कि कुछ भी खाने और पीने के बाद एक्टिवेट हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बैक्टीरिया हमारे मुंह में दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिस कारण दांतों में कैविटी, एनामल वीकनेस, मसूड़ों में सूजन, मुंह से दुर्गंध, इस तरह के रोग होने लगते हैं। और इन रोगों से बचने के लिए ओरल हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसीलिए ओरल हेल्थ को इंटरनल बॉडी का मिरर कहा जाता है। NCBI के अनुसार दांतों में होने वाली बीमारी की वजह से दिल और दिमाग तथा अन्य बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। 2010 में जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियोडोंटोलॉजी में प्रकाशित एक आर्टिकल के अनुसार मसूड़ों की बीमारी के कारण किसी व्यक्ति को हृदय रोग का खतरा लगभग 20% तक बढ़ जाता है। ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें अपने डेली रूटीन में कुछ बेसिक स्टेप्स को ऐड करना होगा। तो आइए जानें ओरल हाइजीन से रिलेटेड 5 स्टेप्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट स्टेप है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन और ओरल हाइजीन के लिए सबसे कारगर मेथड होता है। इसके लिए आप एक बड़ा चम्मच तेल को मुंह में डालकर 10 से 15 मिनट तक घुमाएं, फिर उस ऑयल को थूक दें। उसके बाद गर्म पानी में नमक डालकर उस पानी से गार्गल करें। ऐसा करने से एक्सेस ऑयल मुंह से निकल जाता है। इसके लिए आप कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है टीथ व्हाइटनिंग। दांतों में जमी पीली परत को साफ करने के लिए टीथ व्हाइटनिंग की जाती है। इसके लिए हल्दी में सरसों का तेल मिलाकर इस पेस्ट से ब्रश करें। ऐसा करने से दांतों में चमक आती है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है माउथ वॉश। ब्रश करने व फ्लॉसिंग के बाद रोजाना माउथ वॉश से मुंह की सफाई करने की सलाह दी जाती है। माउथ वॉश इस तरह का एंटीसेप्टिक होता है जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर दुर्गंध दूर करता है, जिस कारण से आप दिन भर ताजगी महसूस करते हैं। इसके बाद चौथा स्टेप है दातून। सालों से प्रयोग किया जा रहा दातून ओरल हेल्थ के लिए सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। इसमें ज्यादातर नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। नीम की लकड़ी के दातून के उपयोग से एंटीबैक्टीरियल एजेंट रिलीज होते हैं जो लार के साथ मिल जाते हैं और मुंह के अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स को मारते हैं, जिससे दांतों पर बैक्टीरिया का संचय नहीं होता है। इसके बाद पांचवा स्टेप आता है ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। बचपन से हमें दिन में 2 बार ब्रश करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भोजन के बाद प्लाक हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच एक चिपचिपी परत की तरह जमता रहता है। इस परत में बैक्टीरिया होते हैं जो दांतों और मसूड़ों को खराब कर कैविटी व सूजन का कारण बनते हैं। दांतों और मसूड़ों के अलावा मुंह में ऐसी कई जगह होती है जहां ब्रश नहीं पहुंच पाते हैं। इन स्थानों की सफाई के लिए फ्लॉसिंग की जाती है, जो दांतों के बीच के हिस्से में पहुंचकर प्लाक, कैविटी या अन्य खाद्य अवशेषों को बाहर निकालने का काम करता है। इन सभी स्टेप्स को रेगुलर फॉलो करने से आपको ओरल हेल्थ बेहतर करने में मदद मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ओरल हेल्थ से संबंधित आपका कोई भी सवाल या सुझाव रह गया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। स्वास्थ्य से जुड़ी नई नई जानकारी के लिए कपी फिट के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।